हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ डीजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 8 पवन तूफान और चक्रवात बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो देखते हैं, अब हम बात करेंगे पवन का अगला गुण। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ हैं, देखते हैं। का पहली स्थिति, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा से के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों के भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती हैं। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक और क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान क्षेत्र या असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। दूसरा है खा, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था, आपको याद होगा। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय तक थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, दो चित्र आपको दिखाए गए हैं जिसमें ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक में शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम से अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों में आती हुई दिखाई दे रही है। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है, तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और माता पिता से वर्षा से
संबंधित समस्याओं की कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। तो देखते हैं सबसे पहले तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी कि तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि झंझा के साथ तड़ित यानी कि बिजली भी गिरे तो इसे तड़ित झंझावत कहते हैं। इसमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर एक, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें। दूसरा, धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। तीसरा है, खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। चौथा, कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। पांचवा, यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। अब बात करते हैं तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। आप जानते हैं कि जल को द्रव में वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल से निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाव कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाव के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। चक्रवात की संरचना कैसे होती है देखते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता है। पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है
और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है, जैसे कि चित्र में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात करते हैं चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 2 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरकता को भी कम कर देता है। क्या आपको पता है चक्रवात को निम्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं? चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवने लाते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। अब हम बात करते हैं टोर्नेडो की। हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत संवेदनशील है। अब देखते हैं इसके प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी या सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं। पहला, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। दूसरा है, सरकारी संस्थाओं समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। तीसरा, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। पवन वेग को मापने के लिए एक वायु मापी। हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य।
हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। तीसरा, जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तथा अगला पॉइंट पांचवा, सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे कि पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्र के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हों तो कुछ अन्य सावधानियां हैं जिनका पालन करना चाहिए। पहला, ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। दूसरा है, गीले स्विच और खम्भों से टूट कर गिर गए बिजली के तारों को ना छुएं। तीसरा, महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर ना निकलें। चौथा पॉइंट, बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। पांचवा पॉइंट, अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। अब हम बात करते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। देखते हैं, आजकल हमें आपातकाल से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों में निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संभावित आपदाओं का मॉनिटर करने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।